बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी उम्मे सलमा रजी ताला अन्हा को मालूम हुआ कि कारवाने इश्क मदीना आ चुका है तो वह अपने हुजरे से बाहर निकली और उनके हाथ में वह शीशी थी जिसमें पहले खाके करबला थी मगर अब वो खून में तब्दील हो चुकी थी। जब अहले बैत अलैहिस्सलाम ने बीबी उम्मे सलमा को इस हालत में देखा तो सब ने शदीद गिरिया करना शुरू किया। बस सब बीबियों ने एक एक करके बीबी उम्मे सलमा को गले से लगाया और हर बीबी ने जी भर के गिरिया किया। उसके बाद जब बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा को कारवाने शहादत की आमद का इल्म हुआ तो आप आई और आपने करबला के अहवाल पूछना शुरू किए तो बशीर ने बीबी को उनके बेटों की शहादत की खबर सुनानी शुरू की तो बीबी ने पलट कर कहा कि ऐ बशीर, तूने मेरे दिल की रगों को काट डाला है। मेरे बेटे हों या किसी और माँ का लाल, सब हुसैन पर कुर्बान जाएं। मुझे बस इतना बता दो, मेरा हुसैन कहाँ है। जब बशीर ने बीबी को हुसैन इब्ने अली की शहादत की खबर सुनाई तो बीबी ने शदीद गिरिया किया और उसके बाद तमाम बीबियों को मजलूम करबला का पुरसा पेश किया। और उसके बाद ये बीबी उम्मुल बनीन का मामूल बन गया कि आप रोजाना बकी के कब्रिस्तान में जाती और अपने प्यारों के गम में नोहा और मातम करती। आपकी इस हालत को देखकर मदीना की दीगर खवातीन भी आपकी शरीक गम हो जाती और बीबी उम्मुल बनीन का गिरिया और नोहा इस कदर शदीद होता कि मरवान इब्ने हकम जैसा संगदिल इंसान इससे मुतासिर हुए बगैर न रहता। बीबी अपने बच्चों की याद में अक्सर यह नोहा पढ़ा करती थी, ऐ वो कि जिसने मेरे अब्बास को दुश्मन पर हमला करते हुए देखा है और उसके पीछे हैदर करार के शेरों को चलता हुआ जरूर देखा होगा। मुझे बताया गया कि मेरे अब्बास का सर मजरू और उसके बाजुओं को काट दिया गया। हाय अफसोस कि मेरे अब्बास के सर पर गुर्ज मारकर उसे शदीद जख्मी किया गया। अब्बास, ऐ काश तुम्हारे हाथ में तलवार होती तो यकीनन कोई भी दुश्मन तुम्हारे नजदीक न आता। बीबियो, आज के बाद मुझे उम्मुल बनीन कह के ना पुकारना, इससे तुम मुझे बीशा शुजात के शेरों की याद दिलाती हो। मुझे उम्मुल बनीन उस वक्त कहा जाता था जब ये मेरे शेर दिल बेटे इस दुनिया में मौजूद थे। अब जबकि वो इस दुनिया में नहीं रहे तो मैं उम्मुल बनीन कैसे कहलाऊंगी। मेरे चारों बेटे इकाबों की मानत तेज परवाज थे, अब उनकी शेरगे हयात कट चुकी है और वो जामे शहादत नोश कर चुके हैं। इसी तरह जब हजरत अकील की बेटी बीबी उम्मे लुकमान को मजलूम करबला की शहादत का इल्म हुआ तो आपने अपनी बहनों रमला, अस्मा, उम्मे हानी और जैनब को साथ लिया और कब्र रसूल पर आकर मरसिया पड़ा। ऐ मेरी आंख, अशकों और आहों के साथ गिरिया कर और अगर नोहा और मरसिया कहना है तो फिर आले रसूल पर ही नोहा और मरसिया कहो, उन छह अफराद पर जो अली की सुल्ब से हैं और पांच अफराद के लिए जो औलाद अकील हैं। फिर बीबी उम्मे लुकमान ने महाजरीन और अंसार को मुखातब करके कहा कि जब बरोज़ हिसाब पैगंबर इन कातिलों से पूछेंगे कि तुमने ये मेरी इतरत के साथ क्या सलूक किया तो तुम उसका क्या जवाब दोगे, उस दिन तो फकत और फकत सच्ची बात ही सुनी जाएगी। अस्सलाम अल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलाद अल हुसैन व अला असहाब अल हुसैन।